हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे आज समझेंगे वो है विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। यानी विंड करेंट का मतलब क्या है? फ्लो होना, किसी चीज़ का बहना। जैसे हवा बहती है, पानी बहता है, तो उसको करेंट बोलते हैं, है ना। तो विंड करेंट आर जनरेटेड, जो हवा बहती है वो कैसे जनरेट होती है, कहाँ से वो जनरेट होती है, कहाँ से पैदा होती है, मतलब हवा में ये मूवमेंट कहाँ से आता है, आखिर वो मूव कैसे करने लगती है हवा। हवा तो, हवा का मतलब क्या होता है? गैसेस का मिक्सचर। लेकिन ये गैसेस का मिक्सचर मूव कैसे करने लगता है, एक जगह से दूसरी जगह क्यों चले जाता है, तो इसके बारे में इस हम लोग टॉपिक में अच्छे से समझेंगे। और रीजन क्या दिया हुआ है? ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। जो हमारा अर्थ है, हमारा पृथ्वी है, उस पर अनइवन हीटिंग। अनइवन हीटिंग का मतलब होता है यानी असमान, यानी हर जगह पे जो हीटिंग है एक जैसा नहीं है, उसकी वजह से हवा में करंट जनरेट होता है। करंट मतलब मूवमेंट आता है, वो मूव करने लगती है हवा एक जगह से दूसरी जगह। तो चलिए इसको समझते हैं वन बाय वन। जैसे सिचुएशन ए है, पहले अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। जो हमारे अर्थ का इक्वेटर रीजन है और पोल्स है, उनके बीच में क्या हो जाता है? अनइवन हीटिंग हो जाता है ना। अनइवन हीटिंग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि विंड जनरेट हो जाती है। जो हवाओं का मिक्सचर है, गैसेस का मिक्सचर है, वो मूव करने लगता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। यू माइट हैव लर्न इन ज्योग्राफी, जैसा कि ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे कि जो जगह हमारे अर्थ के इक्वेटर के पास होती है उसको सनलाइट ज़्यादा मिलता है। क्यों सनलाइट ज़्यादा मिलता है? क्योंकि वो वहाँ पे डायरेक्टली सनरेज पड़ती है। डायरेक्टली क्यों पड़ती है? क्योंकि वहाँ का जो एंगल है, लेटीट्यूड एंगल है, वो बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पे लेटीट्यूड एंगल बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे क्या होता है, सनरेज पूरी तरह से मैक्सिमम अमाउंट में पड़ती है। इसीलिए इक्वेटर का जो एरिया है, हमारे अर्थ का जो इक्वेटर है, वो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है सन से, इसलिए वो गर्म होता है। द एयर इन दिस रीजन गेट वार्म, और इक्वेटर के पास का जो हवा रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा जब। और उससे क्या होगा, द वार्म एयर राइज। और हम लोग जानते हैं कि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है ना। हम लोग इस एक्टिविटी पे समझे थे, इस पेपर बैग वाले में दोनों बैग खाली थे, दोनों में नॉर्मल एयर भरी थी, लेकिन जब एक बैग को थोड़ा सा गर्मी दिए तो उसमें की हवा गर्म हो गई और ये ऊपर चली गई, यानी ये हल्की हो गई, और ये पहले वाली बैग नीचे रह गई, ये भारी हो गई, है ना। तो ये हल्की क्यों हो गई? क्योंकि इसमें की हवा गर्म हो गई थी। तो इस एक्टिविटी से हम लोग समझे थे कि हवा जब गर्म होती है तो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, और हल्की चीज़ क्या हो जाती है, ऊपर जाती है। तो इसीलिए जो इक्वेटर रीजन है, जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ना, तो सनलाइट ज़्यादा पड़ने से क्या होता है कि सनलाइट ज़्यादा पड़ने से ये होता है कि वहाँ की एयर या जो अर्थ रहेगा, अर्थ का सरफेस गर्म हो जाएगा, और वहाँ की हवा, गर्म हवा ऊपर चली जाएगी एयर में, एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाएगी। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन इन द 0 to 30 डिग्री लेटीट्यूड, और जो ठंडी हवा होती है 0 to 30 डिग्री लेटीट्यूड की, वो क्या है, वो इक्वेटर की तरफ आ जाती है। अभी 0 to 30 डिग्री लेटीट्यूड क्या है, आइए इसको अर्थ के ग्लोब से समझते हैं ज़्यादा बेटर तरीके से। तो ये एक अर्थ का पिक्चर है, मैप का पिक्चर लिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे जो अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है, ये नॉर्थ पोल एरिया होता है अर्थ का, और ये साउथ पोल है ना। और जस्ट मिडिल में अर्थ का जो आधा टुकड़ा होता है, जहाँ पे अगर मान लें कि यहाँ से अर्थ आधा आधा किया जा सकता है, हाफ किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर, ठीक ना। तो इक्वेटर का जो लेटीट्यूड एंगल है बहुत ज़्यादा होता है ना। तो यहाँ पे सनलाइट बहुत डायरेक्टली पड़ती है, बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। यहाँ पे जो भी कॉन्टिनेंट आएंगे या कंट्रीज आएंगे, वहाँ पे सन का लाइट ज़्यादा पड़ेगा, तो वहाँ गर्म जगह पाया जाएगा, वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, हॉट होगा, ठीक है। तो अब हॉट क्लाइमेट यहाँ हो गया, तो यहाँ की हवा गर्म होगी, अब गर्म हवा क्या हो जाएगी, ऊपर आएगी, ठीक है। तो ये ऐसे देखो एरो दिखा जा रहा है, एरो दिखाने का मतलब कि हवा ऊपर आ रही है अर्थ के ऊपर। ये थ्री डायमेंशनल में आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि हवा ऊपर आ रही है, ठीक है। और फिर ये जो ये 0 to 30 डिग्री लेटीट्यूड वाला एंगल, यानी पोलर रीजन है, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल। तो यहाँ से जो ठंडी हवाएं हैं, ये गर्म हवा तो ऊपर आ गई, अब ये जगह खाली हो गया,
यहाँ पे हवा तो है नहीं, तो इस खाली जगह को भरने के लिए यहाँ से पोलर रीजन से 0 to 30 degree लेटीट्यूड वाली हवाएँ, ठंडी हवाएँ यहाँ पे आकर इसकी जगह ले लेती हैं, है ना। तो इस तरह से जो एयर का मूवमेंट हो रहा है, इसको आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन, इसका कह रहा है कि यहाँ से भी, साउथ पोल से भी हवाएं इधर इक्वेटर की तरफ जाएंगी और यहाँ की गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी, है ना, एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाएंगी। चाहे नॉर्थ पोल से हवाएं, ठंडी हवाएं आएंगी और गर्म हवाएं जो ऊपर चली गई हैं उसका जगह ले लेंगी, जो खाली जगह बच गया है उसकी जगह ले लेंगी, है ना। तो ये दोनों पोलों से होता है। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ टूवर्ड्स द इक्वेटर। तो चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, दोनों तरफ से हवाएँ, ठंडी हवाएँ इक्वेटर की तरफ आती हैं, क्योंकि इक्वेटर की हवा तो गर्म होकर ऊपर चली गई है और ठंडी हवा हैवी होती है, तो ये नीचे इक्वेटर के पास पहुंचती है, नॉर्थ पोल से भी और साउथ पोल से भी। फिर आगे क्या है, एट द पोल्स, जो पोलर रीजन है जहाँ पे हवाएं बहुत ठंडी होती हैं, देन एट द लेटीट्यूड अबाउट 60 degree, जो यहाँ पे लेटीट्यूड होता है 60 degree के आसपास होता है, है ना, बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे सन रेज भी ज़्यादा पड़ती हैं इस एंगल पर। द वार्म एयर एट दिस लेटीट्यूड राइज अप, वही बात दोबारा लिख रहा है कि यहाँ पर जो वार्म एयर होती है, गर्म गर्म हवा होती है, वो हल्की हो जाती है और ऊपर आ जाती है, ऊपर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। अब ठंडी हवाएं जो पोलर रीजन से आती हैं, जो नॉर्थ पोल से यहाँ से या फिर साउथ पोल यहाँ से इधर की तरफ मूव करती हैं, कहाँ मूव करती हैं, इक्वेटर की तरफ से, जहाँ से गर्म हवाएं ऊपर चली गई हैं और उसकी जगह ले लेती है, टू टेक इट्स प्लेस। इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेटअप, और इस तरह से जो विंड है हवाएं मूव करती हैं, सर्कुलेट करती हैं, है ना, पोल से गर्म लैटिट्यूड में यानी कि इक्वेटर रीजन में मूव करती हैं, जैसा कि इस फिगर में दिया गया है, है ना। तो विंड फ्लोज पैटर्न बिकॉज ऑफ द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, जो अर्थ पे अनइवन हीटिंग है। अनइवन हीटिंग का मतलब क्या है कि अर्थ के हर जगह पे जो हम देख रहे हैं क्या है, हीटिंग एक जैसा नहीं है, है ना, हीटिंग जो है एक जैसा नहीं है, कहीं पे ठंडा हवा है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्म, तो उसी को क्या बोलते हैं, अनइवन। अनइवन मतलब एक जैसा नहीं, बहुत सारा डिफरेंस पाया जाता है, और उसी अलग अलग टेम्परेचर वाली हवाओं की वजह से ही क्या होता है, विंड का मूवमेंट हो पाता है। अगर सारे जगह का हवा का टेम्परेचर एक जैसा होता तो क्या हवा मूव करती, नहीं मूव करती। तो ये मूव करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हमारे अर्थ पर अलग अलग जगह पे, पोलर रीजन पे ठंडी हवाएं पाई जाती हैं, इक्वेटर पे गर्म हवाएं पाई जाती हैं, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, दोनों जगह ठंडी हवाएं और यहाँ पे गर्म हवाएं, है ना। अब दो अलग टेम्परेचर की हवाएं हैं, तो जब ये गर्म हवाएं ऊपर उठेगी तो ठंडी हवा इसकी जगह ले लेगी, तो इस तरह से हवाओं का मूवमेंट होता है, और इसी प्रकार से हवाएं पूरे पृथ्वी पर घूमती रहती हैं, और इस तरह से विंड का मूवमेंट जो है स्टार्ट होता है, जनरेट होता है। ठीक, अब ये जो क्या नाम है इसका, पहली जो लड़की है, इसके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, आई वंडर व्हाई विंड शोन इन द फिगर आर नॉट इन द एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये कह रही है कि जो पिक्चर में या ग्लोब पे हम लोग देख रहे हैं, जो हवाएं हैं ये पोलर रीजन से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, ये नॉर्थ साउथ से सीधे क्यों नहीं आ रही हैं, टेढ़ी क्यों हवाओं का मूवमेंट दिख रहा है। तो ये टेढ़ी इसलिए दिख रही है क्योंकि जैसे यहाँ देखेंगे आप कि जो इक्वेटर से गर्म हवाएं हैं ये भी ऊपर सीधे नहीं जा रही, थोड़ी सी इसका डायरेक्शन चेंज दिख रहा है, थोड़ा टेढ़ा, है ना। और ये जो इक्वेटर से, सॉरी, पोल से जो हवाएं आ रही हैं ये भी सीधे नॉर्थ की तरफ, ऐसे सीधे हवा बहती हुई नहीं आ रही, थोड़ा सा रोटेट या टेढ़ा होकर आ रही है। और ये भी देखिए हवाएं साउथ पोल से क्या ऐसे मुड़ जा रही हैं, जबकि इनको सीधे इधर जाना चाहिए गर्म जगह पे। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग समझते हैं। द विंड वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। या तो हवाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी, यहाँ से ठंडी से गर्म जगह पर, या साउथ से नॉर्थ की तरफ ऊपर इसकी तरफ जाएंगी, है ना, सीधे जा सकेंगे। लेकिन सीधे क्यों नहीं जाती हैं, अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्योंकि अर्थ जो होता है थोड़ा सा टिल्ट होता है, टेढ़ा होता है ना, अपने एक्सिस पे थोड़ा टेढ़ा है और रोटेट करता रहता है, इसी वजह से हवाएं सीधे यहाँ पर इक्वेटर के पास नहीं आती हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर हवाओं का डायरेक्शन ऐसे डायरेक्ट यहाँ नहीं दिखाया गया, थोड़ा टिल्ट टेढ़ा करके दिखाया गया, यानी ये थोड़ा सा घूम कर आती हैं, क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रहा है और थोड़ा सा अर्थ टिल्टेड है, टेढ़ा है अपने एक्सिस पे, दैट्स वाई। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है दूसरा जो पॉइंट है, विंड को जनरेट होने का, अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे अर्थ पर बहुत सारे पानी के स्रोत हैं, है ना, वाटर बॉडीज हैं, जैसे रिवर, ओशियन, लेक, पॉन्ड बहुत सारे हैं और लैंड है। तो इनका अनइवन हीटिंग से, यानी पानी कहीं गर्म होता है, कहीं ठंडा होता है, कहीं ज़मीन ठंडी होती है, कहीं गर्म होती है, उस वजह से भी क्या होता है, विंड जनरेट होता है, हवाओं का मूवमेंट शुरू होता है। तो इसको भी हम लोग अभी समझते हैं। जैसे कि हीट चैप्टर में, चैप्टर 4 में हम लोगों ने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज पढ़ा था, है ना। सी ब्रिज में क्या होता था, हवाएं समुद्र से क्या है इधर धरती की तरफ आती थी, यानी कि जो बीच एरिया होता है, सी का बीच एरिया, साइड एरिया, वहाँ पर हवाएं आती थी। क्यों, अब उसको हम लोग समझते हैं। या सी ब्रिज, लैंड ब्रिज आप सारा पढ़ चुके हैं, उसी को हम लोग इसमें समझ लेते हैं। छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे समर सीजन में गर्मी के दिन है, तो इक्वेटर के पास, जो इक्वेटर हमारा सेंट्रल पार्ट है अर्थ का, लगभग सेंट्रल पार्ट, वहाँ पे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी से गर्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सन की रेज बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ द वाटर इन द ओशियन। अब यहाँ पे मान लीजिए अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट है, जो इक्वेटर पार्ट है, उस पे सनलाइट बहुत पड़ता है, ये गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो धरती रहेगी, मतलब कोई लैंड एरिया रहेगा, मान लीजिए कोई कंटिनेंट है, कोई कंट्री है इस एरिया में, इक्वेटर वाले में आ रहा है, तो गर्म होगा। और उसी इक्वेटर के आसपास जो समुद्र आएंगे, ओशियन आएंगे, महासागर आएंगे, वो क्या होंगे, गर्म तो होंगे लेकिन बहुत धीरे धीरे होंगे, क्योंकि हम लोग हीट वाले चैप्टर में पढ़े हैं कि जो वाटर होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है काफ़ी देर तक, उसके बाद फिर वो अपने टेम्परेचर को बढ़ाता है, जबकि लैंड जो होता है बहुत तेज़ी से हीटअप हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है ना। तो ये डिफरेंस होता है। तो जो इक्वेटर रीजन में धरती जल्दी गर्म हो जाएगा, पानी जो रहेगा, चाहे समुद्र के पानी हो, नदी का पानी हो, महासागर का, ओशियन का पानी हो, वो थोड़ा टाइम लगेगा गर्म होगा। तो इससे क्या होगा, देखिए यहाँ लिखा है टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ द वाटर इन द ओशियन। जो लैंड एरिया रहेगा, कोई भी धरती मिट्टी वाला एरिया रहेगा, तो वो बहुत ज़्यादा रहेगा इक्वेटर के पास, और जो ओशियन रहेगा उसका टेम्परेचर काफ़ी कम रहेगा। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड। जो धरती पे या लैंड पे, जो पृथ्वी पे पड़ रहा है, इक्वेटर के पास का जो लैंड है उस पे जो सनलाइट पड़ रहा है, उससे वो लैंड जो है गर्म हो जा रहा है ना। तो लैंड जब गर्म हो रहा है, तो उसके आसपास की जो हवाएं हैं धरती के आसपास, जो इक्वेटर के पास है, तो गर्म हो जाएंगी, और गर्म होकर ऊपर जाएंगी, फिर ऊपर जाएंगी तो वहाँ खाली जगह बचेगा, है ना। अब वो खाली जगह बचा तो उसको भरने के लिए, उस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र से जो ठंडी हवाएं हैं वो उसकी जगह लेंगी। दिस कॉज द विंड टू फ्लो फ्रॉम ओशियन टूवर्ड्स द लैंड। और फिर क्या होगा, ओशियन से हवाएं हमारे लैंड की तरफ आएंगी, उस धरती की तरफ जो गर्म हो गया है। दीज आर मानसून विंड, और इनको क्या बोला जाता है, मानसून विंड्स, ठीक है। मानसून विंड्स यानी बरसाती हवाएं, जो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लाती हैं, जिससे बारिश होती है, ठीक है। तो ये होता है। तो अब ये मानसून नया वर्ड आ गया। मानसून का मतलब क्या है, द वर्ड मानसून इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। जो मानसून वर्ड है, एक अरेबिक वर्ड है, अरेबियन कंट्रीज से बना हुआ है, मौसम शब्द है, जिसको हम लोग भली भांति जानते हैं, इंडियन लोग मौसम का मतलब हम लोग जानते हैं। मौसम को ही इंग्लिश में मानसून बोलते हैं, या फिर सीजन भी बोलते हैं, जो अलग अलग मौसम पड़ते हैं, ठीक है। तो ये मानसून हवाएं कैसे आती हैं, कि ज़मीन जो होता है आसपास का इक्वेटर के, वो गर्म हो जाता है बहुत जल्दी, और वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, फिर वहाँ खाली एरिया बचता है, वो खाली एरिया में समुद्र की जो हवाएं, ठंडी हवाएं हैं वो क्योंकि समुद्र जल्दी गर्म होता नहीं है, है ना, तो उसकी हवाएं अभी तक ठंडी रहती, जबकि कम समय में ये लैंड तो गर्म हो जाता है, तो इसीलिए समुद्र की हवाएं ठंडी उधर बहकर उस खाली एरिया को भर लेती हैं। और फिर क्या होता है, तो इस तरह से विंड का मूवमेंट होता है, जो हम लोग सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में भी समझे थे, है ना। तो इससे एक मानसून विंड का नया कॉन्सेप्ट आ गया, कि मानसून विंड्स होती हैं जो मानसून लाती हैं, बारिश लाती हैं, ठीक है। इन विंटर डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट्स रिवर्स। ये गर्मी के दिनों की बात हो रही है, समर सीजन में कहाँ से कहाँ हवा मूव करती है, समुद्र से हवाएं धरती की तरफ, लैंड की तरफ मूव करती हैं, है ना। और दूसरे केस में अगर विंटर सीजन में सारा डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना। विंटर के सीजन में क्या होता है, धरती बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जो लैंड होता है ना, क्योंकि धरती जो होता है उसके वो सॉलिड पार्टिकल से बना है, तो हीट भी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, और
कोल्ड भी, जो विंटर सीजन आएगा तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है धरती, इसलिए हवाएं उस समय रिवर्स डायरेक्शन में चलती हैं। अब हवाएं कहाँ से कहाँ चलेंगी, धरती से कहाँ चलेंगी, समुद्र की तरफ, ओशियन की तरफ, रिवर्स हो जाता है पूरा प्रोसेस। इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन, तो लैंड से, ज़मीन से महासागर या समुद्र की तरफ हवाएं अब मूव करती हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो मानसून है या सीजन जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही क्या हो रहा है, हवाओं का मूवमेंट भी जस्ट रिवर्स हो जा रहा है ना, जैसा गर्मी में था वैसा विंटर में नहीं हो रहा है, तो एक दूसरे से जस्ट डिफरेंट हो जाता है ये सारा प्रोसेस। अब ये बूझो क्या सोचने लगा ये सब पढ़ के, ये सब समझ के, आई वॉन्ट टू नो वॉट दिस विंड डू फॉर अस। अब ये बूझो पूछ रहा है कि जो ये विंड्स जो होती हैं जो समुद्र से हमारे लैंड की तरफ आती हैं, तो ये करती क्या है, हमारे लिए क्या फ़ायदा है? तो इसका आंसर हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, विंड फ्रॉम द ओशन कैरी वाटर, जो समुद्र से हवाएं आती हैं, महासागर से हवाएं आती हैं ओशन से, उसमें वाटर होता है, मॉइस्चर होता है, ठीक है, और उससे आता है बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश आती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, और यही वाटर साइकिल का पार्ट भी हम लोग जानते हैं, रेनिंग रेनफॉल होता है जिसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, है ना। तो ओशियन से जो एयर आती है, ठंडी हवाएं आती हैं, वो ढेर सारा बारिश लेके आती है और ये वाटर साइकिल को कंप्लीट करती है, जिससे पीने का पानी वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और क्या है, द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स, मानसून विंड क्या है, अपने साथ एयर में ढेर सारा वाटर लेके आती हैं जो बारिश के रूप में गिरती है ज़मीन पर। क्लाउड ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस, तो मानसून विंड डायरेक्ट बादल, मतलब डायरेक्ट बारिश नहीं करती हैं ये, मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में पानी को लाती हैं, फिर वह बादल बनता है, कंडेंसेशन होता है, और फाइनली वो क्लाउड बारिश के रूप में नीचे गिरता है। और जब बारिश नीचे गिरता है पानी के रूप में, तो क्या होता है, हैप्पीनेस आता है। जो किसान होते हैं वो फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं, मोस्टली हमारे कंट्री में देखा जाए तो मेनली बारिश पे ही डिपेंडेंट होते हैं, कि बारिश हो तो उनकी फसल मतलब ज़्यादा फसल को सफिशियंट पानी मिल जाएगा, क्योंकि वैसे पानी की काफ़ी कमी है हमारे कंट्री में, है ना। तो अधिकतर जो हमारे देश के फार्मर्स हैं वो रेन पे डिपेंडेंट है, कि बारिश हो तो उनके फसल को सफिशियंट मात्रा में पानी मिल जाए हार्वेस्ट करने के लिए। देयर आर मेनी फोक सॉन्ग, और ऐसे ही हमारे गांव में बहुत सारे फोक सॉन्ग हैं, यानी लोकगीत हैं जो किसान या ग्रामीण लोग गाते हैं। वो सारे गीत किससे कनेक्टेड हैं, बादलों से या बारिश से कनेक्टेड है, क्योंकि पूरा जो फार्मर का लाइफ है, किसानों का लाइफ है, किस पर डिपेंड रहता है, बादलों पर, बारिश पर डिपेंडेंट होता है। सिंग एंड एन्जॉय विथ योर फ्रेंड्स, आप भी इस तरह के कुछ गाने किसानों के पास जाकर, कुछ आपसे रिलेटेड कोई फैमिली मेम्बर है जो गांव में रहते हैं और फार्मर हैं, ऐसा मतलब कल्टीवेशन वगैरह करते हैं, तो आप उनसे वो गाने सीख सकते हैं और फ्रेंड्स को भी बताकर एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फसल, हमारा फूड जो आता है, वही ये किसान ही उगा कर हमको देते हैं। इफ़ यू नो सच अ सॉन्ग, हियर इज वन फॉर यू, अगर आपको कोई सॉन्ग नहीं पता है इस तरह का, तो चलिए एक सॉन्ग इस बुक में दिया गया अगले पेज पर उसको देख लेते हैं, जो काफ़ी सारे लोग गाते हैं हमारे गांव के, इंग्लिश में नहीं गाते हैं, हिंदी में गाते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है ना। तो इस तरह से लोकगीत, किसान अपनी खुशी जाहिर करते हैं जब बारिश आती है, तो नेचर का, प्रकृति का धन्यवाद करते हैं कि उसने बारिश की और उनके फसल उगने लगे, वो खुश हो जाते हैं, तो उस खुशी में वो गाने गाते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल भी मनाते हैं। रोरिंग क्लाउड्स अक्रॉस द स्काई टेल अस दैट मॉनसून्स हियर, तो रोरिंग क्लाउड यानी गरजता हुआ बादल हमारे आसमान में आ गया है, और बादलों से किसान पूछ रहे कि क्या मानसून भी आ गया है तुम्हारे साथ। डार्क एंड फ्लोटिंग क्लाउड एंड देन फोर रेन ड्रॉप्स एवरीवेयर, डार्क एंड फ्लोटिंग, डार्क मतलब बहुत ही काले रंग के, डार्क कलर के बहुत ही गरजते हुए बादल आ रहे हैं, उड़ रहे हैं हवा में, और पोर मतलब उड़ेल रहे हैं, पानी की बूंदें, हर जगह पानी की बूंदें, पानी उड़ेल रहे हैं यानी बारिश कर रहे हैं। क्लाउड्स मेक लाइटिंग फ्लैश ओवर हेड एंड इरीगेट फील्ड विथ रेन, तो जो बादल होते हैं वो लाइटनिंग फ्लैश करते हैं, यानी कि बिजली कड़काते हैं हमारे सर के ऊपर, हम लोग ऊपर देखते हैं तो बिजली कड़कती रहती है, और इरीगेट हमारे जो फील्ड्स होते हैं, हमारे जो खेत हैं, उसको सिंचाई करते हैं, उसको पानी देते हैं अपने रेन से, अपने बारिश से। क्लाउड मेक्स अर्थ इट्स फ्रेग्रेंस फ्रेड वेन वेट विथ ड्रॉप्स ऑफ रेन, क्लाउड्स मेक अर्थ,
क्लाउड जो है अर्थ को बनाते हैं। अगर क्लाउड ना रहें तो अर्थ क्या, अर्थ रहेगा नहीं, क्योंकि उस पर कोई भी चीज़ जिंदा ही नहीं रहेगी, क्योंकि क्लाउड से ही वाटर आता है। तो इसलिए कहा गया है क्लाउड जो है अर्थ को बनाते हैं। इट फ्रेग्रेंस स्प्रेड, और जब बारिश होती है तो एक सौंधी सी सुगंध मिट्टी पे, जब बारिश की पहली बूंद पड़ती है तो फ्रेग्रेंस आती है, प्यारी सी सुगंध आती है ज़मीन की, मिट्टी की, है ना, ये हर जगह फैल जाती है। वैन वेट विद ड्रॉप्स ऑफ रेन, और कब आती है, जब बारिश की बूंदें ज़मीन पे गिरती हैं पहली बार सूखी मिट्टी पे, तो एक सौंधी सी सुगंध हर जगह फैल जाती है। राइजिंग फ्रॉम द ओशियन वाश, क्लाउड्स फिल अप विथ रेन। राइजिंग फ्रॉम द ओशियन वाश, और ये हवाएं जो बारिश वाली हवाएं कहाँ से राइज होती हैं, कहाँ से उठती हैं, ओशियन से उठती हैं, जो वाश्ड है मतलब बहुत बड़ा ओशियन होता है, वहाँ से इस तरह की हवाएं उठती हैं। क्लाउड्स फिल अप विथ रेन, और यह बादल जो रहते हैं रेन से, बारिश से भरे हुए होते हैं। रेन टू ओशियन बैक एट लास्ट टू मिंगल विथ ओशियन अगेन, और फिर ये ओशियन जो रेन आई थी, हवाएं जो आई थी जिसमें बारिश था, वो वापस लास्ट में चली जाती हैं और फिर से ये प्रोसेस चलता रहता है। टू मिंगल विथ ओशियन अगेन, और फिर से हम लोग मिलेंगे ओशियन, बाय बाय। तो इस तरह का ये एक पोएम टाइप का है या सॉन्ग है, जिसमें इसी तरह के कुछ लोकगीत लोकल लैंग्वेज में किसान गाते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, शुक्रिया करते हैं, थैंक कहते हैं नेचर का कि ये बारिश किया और उनके खेती बाड़ी को बचा लिया, उनके कल्टीवेशन को बचा लिया। तो देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर बने हुए हैं, फिगर 8.9, अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड स्पेशली द राजस्थान, ये राजस्थान का एक पिक्चर बताया गया है कि यहाँ पर राजस्थान में डिजर्ट है, यहाँ पर मानसून विंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन से गर्मियों में उठती है। दिस विंड कैरी लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशियन, और ये इंडियन ओशियन से बहुत सारा पानी लेकर आती है, ठीक है ना। इंडियन ओशियन जो हमारे अर्थ के कंट्री है उसके साउथ पार्ट में है इंडियन ओशियन, तो वहाँ से, चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो राजस्थान है बहुत गर्म जगह है, रेगिस्तान है, वहाँ हीटिंग हो जाता होता है, तो वहाँ की गर्म हवाएँ ऊपर उठेंगी, तो पास की जो इंडियन ओशियन है वहाँ से ठंडी हवाएँ उसकी जगह लेती हैं और फिर वहाँ पे बारिश होती है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। हावेवर इट इज़ नॉट ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग, रेन्स ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम। तो यहाँ लिखा है कि ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो बारिश आए वो खुशियाँ ही लाएँ, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि खुशियों में किसान बहुत नाचते गाते हैं, गाने गाते हैं, लोकगीत गाते हैं, फोक सॉन्ग गाते हैं, तो हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, ऑफेन मतलब कभी कभी रेन जो है बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है, बारिश होने से प्रॉब्लम भी होती है। क्या क्या होती है प्रॉब्लम, कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, क्या आप कुछ प्रॉब्लम को बता सकते हैं, आपके माइंड में कोई है। यू कैन डिस्कस द कॉज एंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विथ योर टीचर एंड पेरेंट। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम की आप लिस्ट बनाइए कि रेन होने से क्या हैप्पीनेस तो होती है, सभी जानते हैं किसानों के लिए खुशहाली होती है, लेकिन इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसको लिस्ट आउट करिए, सारे पॉइंट को लिखिए और अपने टीचर या अपने पेरेंट्स से उसको डिस्कस करिए कि रेन से क्या क्या हार्म्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। इन नेचर इट्सेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशन दैट कैन समटाइम क्रिएट डिजास्टर एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमंस। तो कभी कभी प्रकृति में क्या होता है कि बहुत सारे सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं जिससे बहुत सारा डिजास्टर आपदा आ जाती है ना, पोज थ्रेट टू ह्यूमंस, और ह्यूमंस के लिए जान पे खतरा आ जाता है, बहुत बुरा खतरा आ जाता है, और ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे, प्लांट पे, सभी के लाइफ पे खतरा आ जाता है। ऐसी भी बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर्स या प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे कि दो पॉइंट यहाँ दिए हैं कुछ नेचुरल डिजास्टर्स का, जो है थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन, ठीक है, जो बिजली कड़कती है, बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान आता है, और साइक्लोन चक्रवात, तो ये सब भी एक तरह का नेचुरल डिजास्टर है। इससे फ़ायदा तो कोई नहीं होता है, केवल नुकसान होता है, चाहे वो हमारा क्रॉप्स हो फील्ड में या फिर ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, सभी को काफ़ी अफेक्ट करता है बुरी तरह से। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और किस तरह से हम लोग इससे बच सकते हैं, क्या क्या सावधानियाँ हम लोग अपना सकते हैं जिससे हम लोग अपने लाइफ को बचा पाएँ इन कंडीशन में जब थंडर स्टॉर्म आए या साइक्लोन आए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।